अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान श्री राम मंदिर की तस्वीरों को करीब करीब आप रोज ही अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे जैसे रामलला का ये दिव्य मंदिर आकार ले रहा है, उसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। अब जिनकी भी नजर इस मंदिर पर पड़ती है, मुख से निकल पड़ता है अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, दर्शनीय। वाकई चाहे जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरे राम मंदिर की एक तस्वीर को शेयर किया है। जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो टॉप एंगल से आपको मंदिर की कुछ ऐसी ही झलक दिखेगी। बीच में रामलला का दिव्य मंदिर जो चारों तरफ से 9 गुंबदों से घिरा है। श्री राम मंदिर की पूरी खासियत क्या है, समझिए श्री राम मंदिर का संपूर्ण विवरण। श्री राम मंदिर का संपूर्ण विवरण बिल्कुल ताजा है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट ने शेयर किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है, जो मंदिर के मुख्य द्वार गर्भगृह में प्रभु श्री राम के बाल रूप को लगाने की तैयारी है। मूर्ति का चयन भी हो चुका है, जिस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। तो मंदिर के पहले तल पर श्री राम का दरबार होगा। अब समझिए मंदिर में कितने मंडप होंगे। पहला नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, चौथा प्रार्थना मंडप, पांचवा कीर्तन मंडप। इन 5 मंडपों के साथ मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवता और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। तो मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा से है, 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से एंट्री होगी। ये ताज़ा वीडियो है, मंदिर का यही सिंह द्वार है और मंदिर तक पहुँचने के लिए यही 32 सीढ़ियां हैं। तो सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 सिंह हैं और 2 गजराज। अब समझिए मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए क्या खास व्यवस्था होगी। रैंप बनाया जा रहा है, लिफ्ट बनाया जा रहा है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। परकोटा में चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट की होगी। जबकि मंदिर के 4 कोनों पर 4 मंदिर होंगे, जिसमें सूर्य मंदिर, माँ भगवती मंदिर, गणपति मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर, जबकि मंदिर के उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर में और भी कई मंदिर प्रस्तावित हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता सबरी, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या, इन सभी को ये मंदिर समर्पित होंगे। मंदिर के करीब पौराणिक काल का सीता कूप भी होगा, जबकि मंदिर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार किया जाएगा और यहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा, धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी RCC बिछाई गई है, इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। राम मंदिर किसी भी बाहरी व्यवस्था पर कभी भी निर्भर नहीं रहेगा, इसलिए मंदिर में ये सारी व्यवस्था अपनी होगी, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए पानी, स्वतंत्र पावर स्टेशन। इसके अलावा बाहर से आए यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 25,000 क्षमता वाला एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा होगी। मंदिर परिसर में स्नान घर, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स की भी सुविधा होगी। सबसे बड़ी बात ये कि मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरानुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है, जहां पर्यावरण जल संरक्षण पर खास ध्यान है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।